सो फाइनली गाइस आप लोग इधर देख सकते हो फ्रैंकलिन इधर किसके सामने बैठा है। अरे यार ये तो कितना बड़ा सा एक जायंट पुलिस बाइक है और ये तो हार्ली डेविडसन बाइक है, लेकिन आखिर क्यों फ्रैंकलिन इस बाइक के सामने बैठा है और ये बाइक हमारे सिटी में कैसे आया और ये बाइक को किसने बनाया है, ये सब अगर जानना है तो आप लोगों को पूरा वीडियो को एंड तक देखना पड़ेगा। चलो यार फाइनली बहुत दिन के बाद मतलब कि करीब करीब 2 साल बाद मैं अपने सिटी में वापस आ रहा हूँ और भाई आज तो मैं काफी ज्यादा एक्साइटेड हो रहा हूँ। और ये तो देखो भाई मेरा जो स्टेशन है वो भी आ चुका है और जल्दी से मैं अभी इधर उतर जाता हूँ। और उससे पहले मैं इंट्रोडक्शन दे देता हूँ मेरा। सो मेरा नाम है फ्रैंकलिन। भाई मैं क्या करता हूँ, मैं ना आर्मी ऑफिसर था तो अभी 2 महीने के लिए मुझे ना पूरी छुट्टी मिली है तो इस वजह से मैं अपने सिटी में वापस आया। तो चलो भाई अभी अपना स्टेशन आ चुका है और देखो ये हमारा स्टेशन और ट्रेन तो भाई काफी सामने आके रुका है। चलो मैं अभी ट्रेन से उतर जाता हूँ। सो फाइनली यार मैं ट्रेन से बाहर आ चुका हूँ और देखो भाई ये रहा मेरा हायाबुसा जो कि मैं अपने दोस्त के पास दे के गया था और उसको मैंने बताया था कि मैं आज आने वाला हूँ तो इसलिए शायद भाई दोस्त ने इधर जो हायाबुसा है स्टेशन पे ला के रख दिया। तो चलो भाई इसको लेके अभी मैं चलता हूँ अपने घर पे। और भाई ये चलाते हुए भाई मुझे काफी अच्छा लग रहा है भाई, कितने सालों बाद मतलब पूरे 2 साल बाद भाई मैं हायाबुसा चला रहा हूँ यार, कितना अच्छा लग रहा है और वो भी अपना हायाबुसा भाई, इसका फीलिंग कुछ अलग ही है। सो चलो भाई फिलहाल मैं अभी घर पे चला जाता हूँ और जाने के बाद यार मेरा जो घर है वो आप लोगों को दिखाता हूँ, ठीक है। और वैसे भी भाई मैं सोच रहा हूँ कि अरे भाई यार एक्सीडेंट ना हो जाए, बहुत दिन बाद चला रहा हूँ तो इसके लिए ऐसा हो रहा है। तो भाई मैं जो अपना घर है वो सोच रहा हूँ कि भाई चेंज कराओ क्योंकि भाई न्यू घर। अबे यार ये क्या हो गया, अरे यार शहर में आते ही एक्सीडेंट हो गया। चलो भाई कोई ना भाई, इतना ज्यादा तेजी से चोट तो नहीं लगा। वैसे कार ड्राइवर को कुछ हुआ है क्या, देखता हूँ एक बार। नहीं भाई कार ड्राइवर तो बिल्कुल सही है। अरे यार अपना हायाबुसा टूट तो नहीं गया ना, वैसे कार तो टूट गया। चलो कोई बात नहीं, अभी मैं इधर से चला जाता हूँ। भाई कुछ भी होता है यार, देखो बहुत दिन बाद चला रहा हूँ इसलिए भाई ऐसा हो रहा है। और भाई मैं फाइनली अपने घर पे आ चुका हूँ और मैं अभी पूरे सिटी को घूमने भी जाऊंगा। पहले तो मैं एक काम करता हूँ, अपना घर जाता हूँ और थोड़ा फ्रेश हो जाता हूँ क्योंकि भाई बहुत जर्नी करना पड़ा था। और देखो भाई इधर तो मेरा डिफेंडर भी है, देखो यार ये रहा मेरा डिफेंडर। तो देखो मेरा जो घर है वो इतना ज्यादा खास तो नहीं है, लेकिन मेरे पास जो कार्स है बाइक्स है वो देखो, एक हायाबुसा एक डिफेंडर, भाई दोनों का प्राइस कम से कम यार 2 करोड़ तो होंगे। तो चलो भाई अभी मैं काम करता हूँ, भाई ऊपर जाके ना फ्रेश हो जाता हूँ और उसके बाद भाई थोड़ा सा घूमने के लिए भी जाऊंगा। तो चलो यार फाइनली मैं फ्रेश भी हो चुका हूँ और अभी मैं अपना सिटी जो है इसको थोड़ा सा एक्सप्लोर करके आता हूँ क्योंकि भाई बहुत साल हो गया है ना, तो इसलिए भाई मुझे लग रहा है कि अपने सिटी में कुछ ना कुछ तो चेंजेस होंगे ही। सो चलो भाई अभी मैं एक काम करता हूँ, अपना हायाबुसा को लेके पूरा सिटी को घूम लेता हूँ। और ये देखो मेरे घर के एकदम पास ही में पुलिस स्टेशन भी है और पुलिस लोग ना मुझे अच्छे से जानते हैं। चलो भाई इधर से मैं जाता हूँ, अभी बीच साइड जाके देखता हूँ कुछ चेंजेस आया है क्या। ओए फ्रैंकलिन सुन जरा। अरे यार ये किसने बुलाया, पुलिस ऑफिसर्स ने मुझे बुलाया शायद। अरे हाँ यार वो लोग तो मुझे जानते ही है, चलो भाई उनसे जाके मैं थोड़ा सा बातचीत कर लेता हूँ कि वो लोग क्या जानना चाहते हैं। चलो भाई अभी मैं बाइक को इधर रख दिया और पुलिस स्टेशन पे अंदर आ चुका हूँ। और सारे ऑफिसर्स कैसे हो। अरे हम लोग तो बढ़िया है, तू कैसा है। अरे सर मैं भी बढ़िया, तुझे देखे हुए काफी साल हो गए, आज देख के काफी अच्छा लग रहा है, तेरा तो बॉडी शॉडी बन गया। अरे ऐसा कुछ नहीं, बस ये तो नॉर्मल ही है। अच्छा अच्छा तू तो काफी चेंज हो गया है। अरे सर इतना भी तारीफ मत करो। अच्छा सुन फ्रैंकलिन तेरे लिए ना एक काम था। अरे मैं तो बस अभी आया, और क्या काम आ गया फिर से। अरे सुनना हमारे शहर के अंदर ना जो हमारे मंत्री है उनका ना एक बहुत ही बड़ा सा पुलिस बाइक था जो कि हमारे पुलिस स्टेशन पे खड़ा करके गए थे, लेकिन वो पुलिस बाइक पता नहीं किसी ने चुरा लिया और चुरा के जो पार्ट्स है वो छुपा के रख दिया। और वो बोल रहा है कि वो पार्ट्स तो हमें भेज देंगे कि इनका लोकेशन किधर है, लेकिन उसको ढूंढने के लिए कोई पुलिस नहीं जा सकता, बस कोई नॉर्मल बंदा जाना चाहिए। अच्छा अच्छा मतलब कि मुझे उन पार्ट्स को ढूंढना है और ये पुलिस बाइक को बनाना पड़ेगा ना। अरे हाँ फ्रैंकलिन तूने बिल्कुल सही समझा। अच्छा फिर ठीक है मैं बना दूंगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। चलो मैं बना दूंगा आप लोगों के लिए। वैसे इस काम करने के लिए मुझे कुछ मिलेगा क्या। अरे तू टेंशन मत ले, मंत्री जी ने बोला है जो भी ढूंढेगा ना उनको मिलेगा पूरे के पूरे 10 लाख रुपीज। अरे यार सर क्या बोल रहे हो सच में। अरे हाँ फ्रैंकलिन एकदम सच है। अच्छा ठीक है फिर तो मैं ये काम आसानी से कर दूंगा, तो आप लोग मुझे लोकेशन भेज देना।
अरे भाई ये देखो भाई, बस शहर में आया और काम मिल गया, और ऊपर से भाई 10 लाख रुपए मिलने वाले हैं। मुझे जो है एक जायंट पुलिस बाइक को ढूंढना पड़ेगा, मतलब कि उसके पार्ट्स को किसी चोर ने भाई कई डिफरेंट जगह पे छुपा के रखा है, तो उनको मुझे ढूंढ के भाई उसको बनाना पड़ेगा। ये काम तो मेरे लिए ज्यादा मुश्किल नहीं होगा, सो चलो भाई देखते हैं पुलिस ऑफिसर्स मुझे कुछ लोकेशन भेजते हैं क्या। और इधर तो एक नोटिफिकेशन का साउंड आ चुका है, चलो भाई मैं देखता हूँ फोन ओपन करके क्या नोटिफिकेशन भेजा है। और देखो भाई जैसे मैंने फोन को ओपन किया, अरे भाई इधर तो पूरा पुलिस बाइक का जो बॉडी पार्ट है उसका लोकेशन आ चुका है, और ये तो अपने एयरपोर्ट के पास ही में है जो वेयर हाउस है इसके अंदर। अरे भाई इधर के पास ही तो मैं हूँ। चलो भाई अभी मैं फटाफट अपना बाइक लेता हूँ और उधर जाके इसको कलेक्ट कर लेता हूँ। चलो यार मैं एयरपोर्ट के सामने तो आ चुका हूँ और अभी मुझे इसके अंदर जाके वेयर हाउस से उस बॉडी पार्ट को कलेक्ट करना है। वैसे ये चोर तो काफी निकम्मा है भाई, ये इतने आसान जगह पे क्यों छुपाया है? नहीं नहीं भाई ये आसान जगह पे तो नहीं है, सामने ये छोटी छोटी क्या दिख रहा है? अबे यार ये तो सारे ज़ॉम्बीज़ है। अबे भाई मुझे अब समझ में आया इसने ऐसा लोकेशन क्यों बताया, और क्यों भाई पुलिस नहीं कर पाएंगे इसको कंप्लीट, वो भी पता चल गया। और देखो भाई पुलिस तो कंप्लीट कर पाते लेकिन भाई वो लोग मुझे भी फंसाना चाह रहे थे, क्योंकि भाई देखो इधर सारे ज़ॉम्बीज़ है जो कि भाई हमें कभी भी मार सकते हैं। और देखो कितने सारे एक साथ आ रहे। अबे 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 नहीं यार भाई सारे तो मुझे फिनिश कर देंगे। अबे चलो 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 भाई मैं इनको शूट करता हूँ जल्दी से। ये देखो भाई जैसे जैसे दौड़ते आ रहे हैं मैं इन सभी को मार रहा हूँ। चलो भाई अभी थोड़ा आगे बढ़ता हूँ मैं और इनको थोड़ा सा आगे आने देते। देखो काफी सारे ज़ॉम्बीज आ रहे हैं और जैसे ही वो सारे मेरे पास आएंगे वो मैं देखो यार इस पे शूट कर रहा हूँ, और धीरे धीरे करके ये लोग मरते जा रहे हैं। वैसे भाई मैंने अच्छा किया भाई आते वक्त अपना जो गन है वो मैंने ले आया, तो इस वजह से देखो यार मेरे को भी कुछ नहीं हो रहा, और शायद से इसलिए उन्होंने मुझे बुलाया है क्योंकि मैं ना एक आर्मी हूँ तो मेरे पास भाई बहुत सारे गन्स है, तो इस वजह से शायद से इन्होंने मुझे बुलाया है कि इस काम को कंप्लीट करने के लिए। तो देखो भाई ये देखो कितने सारे ज़ॉम्बीज और भी बचे हैं, वैसे मैं सबको तो मार दूंगा इतना कुछ भाई डिफिकल्ट नहीं है। देखो भाई लगभग भाई और 5-6 ज़ॉम्बीज ही बस बचे हैं, सो चलो भाई सभी को मैं मार देता हूँ। और देखो भाई बस थोड़ा सा ही बचा है और भाई इसको मारता है, ये लो भाई और 2-3 गोली में शायद से सब कुछ फिनिश हो जाएगा। और चलो भाई इधर भी चारों को मार दिया और लास्ट ये रहा लास्ट, और फाइनली भाई सारे ज़ॉम्बीज जो है वो मर चुके हैं। और चलो भाई अभी मैं फिलहाल भाई दौड़ के नहीं भाई मैं अपना बाइक ले लेता हूँ और लेके भाई वेयर हाउस पे चलता हूँ और जाके देखता हूँ कि जो बॉडी पार्ट है वो मुझे मिलता है क्या। वैसे तो यार बाइक देखो मैंने इधर ही रख के गया था क्योंकि भाई ये जो ज़ॉम्बीज है ना भाई ये बाइक से उछल के फेंक देता है मुझे पता है भाई, तो इसलिए भाई मैं ना बाइक को दूर ही रख के गया था। और चलो भाई अभी मैं जल्दी से इसके अंदर जाता हूँ और बॉडी पार्ट को कलेक्ट कर लेता हूँ, और उसके बाद भी और भी पार्ट्स को मुझे कलेक्ट करना पड़ेगा शायद से। तो चलो इधर मैं आ चुका हूँ और मैं ना भाई डोर से नहीं जा सकता क्योंकि डोर जो है वो लॉक है। अभी बस एक ही तरीका है जाने का, वो है कि भाई मुझे इधर से ना जाना पड़ेगा जंप करता हुआ। तो चलो भाई जंप करते हैं और थोड़ा सा, और फाइनली गाइस देखो यार मैं इसके अंदर आ चुका हूँ और भाई मुझे इधर देखो भाई फाइनली भाई जो बॉडी पार्ट्स है वो मिल चुका है भाई, यार काफी ज्यादा बराई है। सो चलो गाइस इसको तो मैंने कलेक्ट कर लिया और अभी मैं बाइक लेता हूँ, और भाई इधर तो और एक नोटिफिकेशन का साउंड आया। सो चलो भाई मैं अभी फोन को फिर से वापस निकाल लेता हूँ क्योंकि भाई सेकंड लोकेशन शायद उन लोगों ने भेज दिया मुझे। हाँ यार ये तो सेकंड लोकेशन है, और जो कि भाई अपना बाइक का हैंडल है उसका लोकेशन है, और वो तो भाई स्कूल पे मिलने वाला है। हाँ भाई स्कूल वाला जो बिल्डिंग है उसके अंदर मुझे मिलने वाला है। सो चलो भाई मैं फटाफट बाइक को लेता हूँ और जल्दी से उस स्कूल के लोकेशन पे जाता हूँ और जाके इसको कलेक्ट कर लेता हूँ। वैसे यार आप लोगों में से जो भी चैनल पे नया आ रहे हो प्लीज यार चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर देना, क्योंकि आप लोग एक एक लाइक और एक एक सब्सक्राइब यार हम लोग को काफी ज्यादा मोटिवेट करता है आप लोगों के लिए न्यू कॉन्टेंट लाने के लिए। सो प्लीज यार आप सभी लोग मिलकर यार वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। सो वैसे यार जो हमारा स्कूल एरिया है वो इधर से पास ही में है बस, और देखना थोड़ा सा दूर में है। ये देखो भाई ये बिल्डिंग के पीछे ही हम लोगों का जो स्कूल वाला बिल्डिंग है वो है, तो अभी मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। आप लोगों में से शायद बहुत सारे लोगों को पता नहीं होगा सो मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। तो देखो भाई ये मैं आ चुका हूँ स्कूल बिल्डिंग पे और अभी इसके अंदर मुझे जाना है। वैसे कैसे जा सकता हूँ अभी एक काम करता हूँ मैं ना इधर अपना बाइक को पार्क करता हूँ। अरे रुको यार थोड़ा सा सही से पार्क करना पड़ेगा और भाई एकदम चिपक के लगाना है और उसके बाद मुझे एग्जिट कर लेना है। अरे यार यार ये तो उल्टा होके एग्जिट हुआ, अभी एक काम करना पड़ेगा मुझे घुमा के लगाना पड़ेगा अपने बाइक को, ठीक है। तो चलो भाई मैं घुमा के अपने बाइक को लगाता हूँ। अबे रुक जा तो थोड़ा सा वेट कर लो, मैं बस ये ट्रिक अप्लाई कर रहा हूँ, आप लोग देख लेना आप लोगों को भी समझ में आ जाएगा इसके अंदर कैसे जाना है। वैसे तो डोर तो लॉक ही है और देखो भाई जैसे मैं उतरा फाइनली गाइज मैं इसके अंदर आ चुका हूँ। और देखो भाई मुझे इधर जो भाई अपना सेकेंड पार्ट है मतलब कि बाइक का जो हैंडल है
है वो भी मिल चुका है, सो मैंने इसको भी कर लिया है। सो चलो भाई अभी देखते हैं और क्या पार्ट हम लोग को ढूंढना पड़ेगा। सो इधर देखो भाई फिर से नोटिफिकेशन का साउंड है, सो चलो अपना फोन को निकाल लेता हूँ मैं। और देखो भाई इधर तो टायर्स का लोकेशन है, अरे भाई ये तो एयरपोर्ट का जो बिल्डिंग है उसके ऊपर ही है। भाई अभी बस मैं एयरपोर्ट से आया था, पहले ही दे देता तो अच्छा होता ना। तो चलो भाई मैं फटाफट जाके इसको भी कलेक्ट कर लेता हूँ। सो चलो गाइस फाइनली मैं एयरपोर्ट के सामने बस आने वाला हूँ, और भाई इधर से मुझे बस उस बिल्डिंग के ऊपर जाना है और जाके भाई वो दोनों टायर्स को मुझे कलेक्ट करना पड़ेगा। लेकिन भाई ये तो अपना जो एयरपोर्ट का एंट्रेंस है, और इसकी जगह पे ये कंटेनर किधर से आ गया? भाई अभी बस मैं इधर से गया था तब तो ऐसा नहीं था, लेकिन अभी ये कंटेनर किधर से आ गया? शिट यार, मैं आप लोगों को दिखाता हूँ मुझे किधर जाना था। अबे भाई अभी मैं इधर से कैसे जाऊंगा? सो चलो भाई मैं कोई ना कोई रास्ता तो होगा भाई, इसलिए भाई कोई जो है ढूंढने के लिए नहीं जा रहा। और मुझे इसलिए भाई ये वाला काम मिला क्योंकि ये बहुत ज्यादा हार्ड है। सो देखो भाई इधर बिल्डिंग के ऊपर से, हाँ ये क्या है भाई, इधर ये तो रोड लग रहा है। और देखो भाई इधर से ऐसा होता हुआ, अच्छा भाई ये तो कोई एक रैंप लग रहा है, इसको अगर कंप्लीट कर लूं शायद से मैं भाई इसके अंदर जा सकता हूँ। और भाई रैंप शुरू हो रहा है किधर से वो मुझे देखना है। वैसे देखो भाई, अरे भाई ये तो पीछे है अपना घर का, चलो भाई मैं घर के पीछे जाता हूँ और देखता हूँ भाई सच में क्या उधर ही है। और वैसे तो भाई मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, नहीं भाई पीछे नहीं भाई, ये तो अपने घर से ही शुरू हो रहा है। अच्छा भाई तो इधर से मुझे ये रैंप को कंप्लीट करना पड़ेगा। सो चलो भाई मैं फटाफट इसको कंप्लीट कर लेता हूँ। पता नहीं भाई रैंप कैसा होने वाला है, मैंने तो नहीं खेला इस रैंप को, पता नहीं भाई। चलो यार देखते हैं जो होगा भाई आप लोगों के सामने होगा। तो देखो इधर दो प्रोपेलर्स घूम रहे हैं, तो इसको मैंने पार कर लिया। और इधर एक मूविंग कंटेनर है, सो चलो सबसे पहले इसको जाने देता हूँ मैं, और उसके बाद इसके ऊपर से मैं जंप कराऊंगा। सो चलो भाई अभी थोड़ा नीचे आ चुका है, और बस थोड़ा सा नीचे हो जाए और उसके बाद मैं जंप कराता हूँ। हाँ भाई हो चुका है। और इधर भाई तीन तीन प्रोपेलर्स घूम रहे हैं, सो चलो एक को मैंने पार कर लिया, ये दूसरा भी हो चुका है, और ये तीसरा भी भाई एक ही बार में पार कर लिया भाई, बहुत बढ़िया। चलो भाई इधर से भी सीधा भगाता हूँ मैं अपने बाइक को। और इधर भाई शायद से जंप लगाना है क्या? नहीं भाई थोड़ा सा ही जंप लगाना था, और इधर से स्पीड में निकालना है। हाँ शायद स्पीड में निकालना पड़ेगा। अरे अरे नहीं नहीं भाई थोड़ा सा रुक जा बस यार, ये देखो भाई। सो फाइनली इस जगह पे भी मैं आ चुका हूँ, और सामने तो भाई काफी सारे प्रोपेलर्स घूम रहे हैं। और अभी क्या करना है? अच्छा इनको पार करना होगा एक एक करके। सो चलो अभी सही टाइम है, एक पार कर लिया मैंने, और उसके बाद ये सेकंड है। सो चलो भाई अभी सही टाइम है, इसको भी पार कर लिया, और थर्ड वाला भी हो चुका है। और भाई ये कैसा रोड है? अरे यार इधर तो कुछ दिख ही नहीं रहा। अबे चलो भाई इधर से मुझे फुल स्पीड में ही करना पड़ेगा शायद। हाँ भाई फुल स्पीड में करना है। और फाइनली भाई मैं इधर कंप्लीट कर लिया। अबे अबे अपना बाइक नीचे ना गिर जाए बस भाई, बाल बाल बच गया। देखो यार अभी बस मैं नीचे गिरने ही वाला था। चलो भाई फिलहाल तो मैंने अपने बाइक को बचा लिया। और इधर से किधर जाना है? इस साइड में ही जाना है। वैसे आया वो सब भाई काफी ज्यादा पावरफुल है, देखो भाई बहुत साथ दे रहा है मेरा। और इधर से अच्छा अभी जाना है, सही टाइम है अभी ही है। सो चलो इधर से जाता हूँ मैं। अबे अबे नीचे ना गिर जा बस। अबे चलो भाई हो गया। और इधर से भाई हाँ राइट वाले साइड से मुझे रोड दिख रहा है। और भाई ये क्या है? इधर तो भाई घास फूस लगे हुए हैं, और देखो भाई रोड तो दिख भी नहीं रहा था। अभी अगर मैं थोड़ा सा भी साइड पे चला जाता तो डायरेक्ट नीचे भाई। और इधर देखो एक भी भाई जो चेक पॉइंट है वो भी नहीं है। और चलो भाई वो जगह को भी मैंने पार कर लिया। और अभी इधर से भाई किधर जाना है? हाँ लेफ्ट साइड में जाना है। चलो भाई जाता हूँ मैं। और इधर से अच्छा इस बिल्डिंग के ऊपर से जाना है। चलो भाई भाई रैम तो काफी बढ़िया लग रहा है देखने में। सो चलो भाई फिलहाल तो इसके ऊपर से भगाता हूँ मैं। अबे यार भाई बस बिल्डिंग पे ना गिर जाऊँ मैं। सो चलो इधर भी आ चुका हूँ। और अभी इधर रोड तो ब्लॉक है, लेकिन अच्छा राइट साइड से कुछ है क्या? हाँ इधर से रोड बना हुआ है। सो इधर चलता हूँ मैं। और अभी इधर से फिर से जंप कराना है शायद। हाँ भाई धीरे से जंप कराता हूँ। हाँ यार एकदम परफेक्ट जंपिंग हो चुका है। और इधर मुझे लेफ्ट से रोड दिख रहा है। सो चलो भाई लेफ्ट में निकालता हूँ मैं। अरे यार रुक जा थोड़ा, और बस लेफ्ट में थोड़ा सा जाना है। सो चलो यार भाई इधर से मुझे बस आगे बढ़ना है। वैसे भाई रोड भी दिखाई नहीं दे रहा, रोड किधर है? अच्छा भाई इधर से है। और देखो यार कितना पतला रोड है भाई, मैं गिर ना जाऊँ बस। सो चलो भाई इधर भी मैं आ चुका हूँ। और इधर से भाई शायद से मुझे जंप लगाना पड़ेगा। हाँ यार मुझे लगता है जंप लगाना है, और ऊपर से और एक प्रोपेलर है इधर। सो चलो भाई इधर भी मैंने पार कर लिया, और ये तो एक कंटेनर है। सो चलो इसको जाने देता हूँ। और फाइनली गाइस ये रैंप खत्म होने वाला है, और देखो भाई मैं फाइनली आ चुका हूँ अपना एयरपोर्ट की बिल्डिंग के ऊपर। सो चलो मैं बाइक से उतर जाता हूँ, और उतरने के बाद देखता हूँ कि भाई अपना जो टायर्स है वो किधर है। और देखो गाइस जैसे मैं लेफ्ट में मुड़ा, फाइनली गाइस मुझे इधर जो दोनों टायर्स है वो मिल चुका है, तो मैंने इसको भी कलेक्ट कर लिया। सो भाई बाइक का सारा जो सामान है
भाई उसको तो मैंने कलेक्ट कर लिया। सो चलो भाई अभी मैं इसको बना के आप लोगों को दिखाता हूँ कि बनने के बाद अपना जो ये पुलिस बाइक है ये देखने में कैसा लग रहा है। सो फाइनली गाइस देखो भाई इधर मैंने अपना पुलिस बाइक को बना के रेडी कर लिया है और देखो मैं इधर कितना बड़ा बन चुका हूँ। और अभी देखो भाई ये जो पुलिस बाइक है देखने में कितना ज्यादा मस्त लग रहा है। भाई मंत्री जी ने बहुत अच्छा पुलिस बाइक बनवाया था और देखो मैंने डिट्टो पूरा सेम बना लिया है। और ये तो एक हार्ली डेविडसन है। अबे यार ये तो मेरा फेवरेट बाइक है भाई। मैं तो अभी इनको ये देने नहीं वाला, मैं तो अभी आज खुद ही चलाऊंगा इसको भाई, इनको नहीं देने वाला। ये देखो भाई ये देखने में इसका लुक भाई काफी मस्त है, काफी बढ़िया लग रहा है। सो गाइस कैसा लगा आप लोगों को आज का ये वाला वीडियो मुझे जरूर कमेंट करके बताना। तो चलो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद दोस्तों।